हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ केना और आपका स्वागत है मेरी चैनल केना गज्जर ब्लॉग्स में। तो आज मैं एक और कहानी सुनाने जाने वाली हूँ जिसका नाम है हाथी और बकरी की कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक हाथी और एक बकरी रहते थे। दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। दोनों साथ में मिलकर हर दिन खाने की तलाश करते और साथ में ही खाते थे। एक दिन दोनों खाने की तलाश में अपने जंगल से बहुत दूर निकल गए। वहाँ उन्हें एक तालाब दिखाई दिया। उसी तालाब के किनारे एक बेर का पेड़ था। बेर का पेड़ देखकर हाथी और बकरी बहुत खुश हुए। वह दोनों बेर के पेड़ के पास गए। फिर हाथी ने अपनी सूंड से बेर के पेड़ को ज़ोर से हिलाया और ज़मीन पर ढेर सारे पके हुए बेर गिरने लगे। बकरी जल्दी जल्दी गिरे हुए बेरों को इकट्ठा करने लगी। संयोगवश उसी बेर के पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला भी था, जिसमें चिड़िया का एक बच्चा सो रहा था और चिड़िया दाने की खोज में कहीं गई हुई थी। बेर का पेड़ जोर से हिलाने के कारण चिड़िया का बच्चा घोंसले से बाहर तालाब में गिर पड़ा और डूबने लगा। चिड़िया के बच्चे को डूबता हुआ देखकर उसे बचाने के लिए बकरी तालाब में कूद गई, लेकिन बकरी को तैरना नहीं आता था, इस वजह से वह भी तालाब में डूबने लगी। बकरी को डूबता हुआ देखकर हाथी भी तालाब में कूद गया और उसने चिड़िया के बच्चे और बकरी दोनों को डूबने से बचा लिया। इतने में चिड़िया भी वहाँ पर आ गई थी और वह अपने बच्चे को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई। उसने हाथी और बकरी को इसी तालाब और बेर के पेड़ के पास रहने के लिए कहा। तब से हाथी और बकरी भी चिड़िया के साथ उस बेर के पेड़ के नीचे रहने लगे। कुछ ही दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। चिड़िया अपने बच्चे के साथ जंगल में घूमकर आती थी और हाथी और बकरी को जंगल में किस पेड़ पर फल लगे हैं इसकी जानकारी देती थी। इस तरह हाथी, बकरी और चिड़िया मज़े में रहते और खाते पीते थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर हमारी गलती से किसी को परेशानी होती है तो उस गलती को सुधारना चाहिए और मन मुटाव दूर करते हुए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और लाइक करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्णा।